आज आप सबका स्कूल में आखिरी दिन है। 5 दिन के बाद बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं और आज आपको रोल नंबर दिए जाएंगे, लेकिन रोल नंबर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी अटेंडेंस 75% से ज्यादा है। सिर्फ 2 नमूने ऐसे हैं जिनको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। ये अपने अपने नाम के साथ दोनों जरा खड़े हो जाएंगे, दिलीप सिंह और विकास गुलाटी। अरे वाह, आप दोनों तो अपनी तारीफ से पहले ही खड़े हो गए, शाबाश। खैर सुमित, ये लो, ये ले जाओ और बाहर जाके सबको रोल नंबर बांट दो। और तुम दोनों जरा हराम खोर हो, अगर तुम मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ते होते ना तो तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता था मुझसे ये रोल नंबर। लो पकड़ो, अब मेरी ट्यूशन फीस लाए हो? हाँ जी सर जी। रखो यहां और दफा हो जाए यहां से। सर जी आप कौन से कॉलेज गए थे? नहीं वहां अटेंडेंस का चक्कर तो नहीं होता ना? अबे ओए, इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूं कि तुम दोनों को बिठाऊंगा कहां। जाओ उठो यहां से। यार तू उसकी पैसे नहीं देने चाहिए थे, अब कैसे करेंगे पेपर को जुगाड़? बेटे समझ, रोल नंबर भी खरीदे ही हैं, नहीं तो बैठ नहीं पाते पेपरों में। और साले इतने दिन लगाएगा सपने देखने में, तो कहां से लाऊंगा पैसा? किधर आज का सपना? भाई तेरे को बोला था ना, देखता हूँ रोज सपना में, याद नहीं रहता कभी कभी। और नहीं वो एक अंग्रेजी फिल्म आई थी ना इंस्पेक्शन, टाइटैनिक वाले हीरो की, उसमें ना सुइयां घुसा घुसा के ना दिमाग में घुस जाते हैं। तू भी ढूंढना ऐसा कोई जुगाड़ कि ठोकी दो सुइयां और देख ले मेरे साथ मेरा सपना। बड़ी मुश्किल होती है यार याद रखने में। मुश्किल होती है याद रखने में। भाई छेद करेगा क्या बिल्डिंग में? गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तोर, अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया, हो अंबर सरिया। भाई तेरे कॉन्फिडेंस से कभी कभी डर लगता है। अपनी शक्ल से नहीं लगता है। और के तू अपने पेचे लड़ा रहे हैं, पेपरों के बारे में मत सोचियो। 5 दिन रह गए, कैसे देंगे पंडित को पैसा? 1 साल और सड़ना पड़ेगा भाई। चुप करना मनुष्यत, खुश मत हो भाई की तरक्की देख के। हाँ तरक्की, पहली में 1 बार, छठी में 2 बार, 12वीं के सड़े से बेंच में 3रा साल लगातार तरक्की। पहली में तो कोई फेल नहीं होता भाई। क्या तू मुझसे फ्रेंडशिप करेगी? अगर हाँ तो कन्नी दे दियो। अंबर सरिया मुन्ने आवे कचिया कलिया ना तोड़, तेरी माने बोले है मुझे तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया,
वो मतलब फ्रेंडशिप करना चाहती है तू मुझसे? फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती तो करने क्यों देती? हाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप, इससे आगे कुछ नहीं। मुझे कभी आई लव यू मत बोलियो। ना ना, मैं क्यों बोलूंगा आई लव यू तेरे को? तू कोई मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। वैसे भी मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा जी, क्या नाम है उसका? पहले अपना बता। प्रिया। अब बता उसका। जैस्मिन, कॉलेज में पढ़ती है, एक साल बड़ी है मुझसे। एक्चुअली ना मुझे मैच्योर लड़कियां ज्यादा पसंद है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अच्छा, कौन सी मैच्योर बातें करती है वो? वो उसने ना मुझे किस करना सिखाया। किस में क्या सिखाना होता है बेड़े? ऐसी वैसी किस नहीं, एडवांस लेवल की किस, फ्रेंच किस। फ्रेंच किस वो क्या होती है? अच्छा, ज्यादा मत बन, सब पता है तुझे। सच्ची? मुझे नहीं पता, बताना क्या होती है। वो होटो को होटो में डाल गई उसने। क्या? होटो को होटो में डाल के चूमते हैं यार, उसी को बोलते हैं फ्रेंच किस। अच्छा, फिर तूने भी किया उस लड़की को फ्रेंच किस? बड़ी बात, हम तो जब भी मिलते हैं ना फ्रेंच किस ही करते हैं। हाँ। मुझे नहीं करनी तुझसे फ्रेंडशिप, तू बड़ी डर बातें करता है। उल्ले, तूने तो पूछा था क्या होती है फ्रेंच किस। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी तुझसे बात। और दोबारा छत पे दिखा दिया ना तो पापा जी से कह के जूतियां पड़वा दूंगी। धुई फाटी ते ना गुलाटी।